ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी अमरोहा की, जहां अमरोहा जिले के थाना नौगावा क्षेत्र के ग्लोकल हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। साथ ही बात होगी धौलपुर की, जहां एक युवक का मिला शव, मची सनसनी। और बताएंगे कैसे कानपुर देहात के रनिया में गोल्डी मसाले फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। और बताएंगे कैसे रोहतास में लोकसभा चुनाव को लेकर ब्राह्मण समाज की हुई बैठक, लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अमरोहा जिले के थाना नौगावा क्षेत्र के ग्लोकल हॉस्पिटल में कर्मचारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अस्पताल पर स्टाफ की लगभग 50 लाख रुपए की सैलरी बकाया है। अस्पताल के स्टाफ के हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। बाद में स्टाफ ने 10 तारीख तक बकाए रुपए देने की हामी भरी। अमरोहा का चर्चित हॉस्पिटल ग्लोकल के स्टाफ ने आज इकट्ठा होकर अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा काटा। उनका कहना है अस्पताल स्टाफ की लगभग 50 लाख रुपए की सैलरी अस्पताल प्रबंधक पर बकाया है, लेकिन वो किसी भी तरीके से सैलरी देने को तैयार नहीं है। अस्पताल संचालक के विरोध में पीड़ित स्टाफ ने डीएम अमरोहा से भी शिकायत की, जिसके बाद उन्हें कोई समाधान नहीं मिल पाया। आज स्टाफ ने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया और अस्पताल संचालक पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की। क्या मामला है? ये जो ग्लोबल हॉस्पिटल में हम लोग जॉब करते हैं, यहाँ पे सैलरी का ही मैटर चल रहा है। पीछे कई महीने की पीछे की ड्यू है और अभी करंट में 2 महीने से इन्होंने कोई सैलरी नहीं दी है। अब क्या रीजन दिया? पहले हम लोग पहले गए थे इनसे बात करने के लिए। विजय सैट सर जो है हमारे, हर्षित जैन सर हैं, हम करने के लिए गए थे। उन्होंने कहा था कि हमारे पास कोई भी पैसा नहीं है, आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ चले जाइए, मेरे पास अभी फिलहाल पैसा नहीं है कोई भी। हमने फिर मीडिया को बुलाया और पुलिस में भी कॉल की थी, वो लोग आए। फिर उन लोगों के कहने पे इन्होंने डेट दी है 10 तारीख। 10 तारीख में इन्होंने कहा कि हम 10 तारीख में सैलरी दे देंगे। एक विनोद कुमार से, क्या मामला है? हंगामा चल रहा था यहाँ सैलरी के ऊपर, हंगामा चल रहा था। हमारी सैलरी नहीं मिली, कई महीने हो गए, 7-8 महीने हो गए, सैलरी नहीं मिली, ड्यू भी नहीं मिली और करंट की भी नहीं। अच्छा, पुलिस मौके पर आई थी? पुलिस ने अब बात करी इनसे, BSF, हमारे BSF से बात करी है, तो इनको 10 तारीख की डेट दी है। तो क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन क्या, डेट पे डेट देते हैं, कुछ होता तो है नहीं, गोली दे के चले। अब इन्होंने हेड ऑफिस बात करी थी अभी BSF ने, तो 10 तारीख के लिए बोला है। और वहाँ तक पुलिस वाले भी आए थे, उन्होंने भी ये बोला कि 10 तारीख का वेट कर लो, उसके बाद तो नहीं। कहाँ से? क्या मामला है? यहाँ हंगामा चल रहा था। सैलरी मतलब पहले की जो ड्यू है वो 4 महीने की, इस बार 2 महीने की नहीं, अप्रैल की आई है, मई भी पूरा निकल गया है। क्या नाम है आपका? सर कामनी। कहाँ से? सर मैं यही अमरोहा से। क्या मामला है? हंगामा चल रहा था आपकी सैलरी को लेकर? सर सैलरी को लेकर है, बस सैलरी नहीं देते, ये 4 महीने की पहला है, 2 महीने की अब ड्यू हो गई, 6 महीने की सैलरी हो गई सर। तो हंगामा किस बात को लेकर चल रहा था? सर सैलरी का ही मैटर है, डेट पर डेट देते हैं लेकिन सैलरी नहीं देते। आप क्या कहा? सर अभी भी डेट दे दी है 10 तारीख। तो पुलिस मौके पर थी? सर उनको भी डेट ही दी है 10 तारीख को, अभी पक्का कन्फर्म नहीं है कि आएगी या नहीं है। क्या आश्वासन मिला? सर बस यही दिए कि 10 तारीख को सैलरी आ जाएगी, डेट दी है। क्या मामला है? हंगामा चल रहा था, पुलिस आई थी यहाँ, सैलरी का मसला है, बहुत पुराना 2-3 लाख तक सैलरी है, लेकिन मिल ही रहा है, हर बार गोली नीचे नहीं गोली। आज पुलिस वाले आए थे, पुलिस वाले भी लूटा, आज बहन देखे चले गए। किसने बुलाई थी पुलिस? पुलिस साहब ने बुलाई थी। किस बात को लेकर? सैलरी के लिए। किस अस्पताल का मामला है? ग्लोबल हॉस्पिटल अमरोहा। नाम है तुम्हारा? नवनीत कुमार। नवनीत, आप कहाँ काम करते हैं? मैं ग्लोकल हॉस्पिटल अमरोहा में काम करता हूँ। आज क्या मामला है जो यहाँ हंगामा किया है? सैलरी का इशू चल रहा है हमारा, हमारा कम से कम 6-7 महीने हो गए सैलरी नहीं मिल पा रही है। अपने BH के पास आते हैं तो ये तारीख पर तारीख देते हैं कि आज मिलेगी कल मिलेगी, लेकिन मिल नहीं गया। आज जब हम थक गए हैं बुरी तरह से, तब हमने पुलिस को और मीडिया को कॉल किया, तब आप लोगों को बुलाया सर अपने समाधान के लिए। कितना से कितने लोग, कितना स्टाफ है जिसकी सैलरी यहाँ रुकी हुई है? स्टाफ होगा कम से कम 50 से 70। अच्छा, कितने कितने महीने की सैलरी रुकी? सबकी 6 से 7 महीने की ड्यू है और 2 महीने की अब करंट की रोक रखी है, प्रेजेंट की। क्यों नहीं मिल पा रही, क्या कह रहे हैं स्टाफ? सर ये बोलते हैं कि ऊपर से पैसा नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, और कुछ स्टाफ की तो ऐसी जो सन 2018-19 की भी सैलरी है। इससे पहले भी कुछ हंगामा हुआ था जो अस्पताल का, जो मालिक है वो आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? वो आश्वासन ये देगा कि मैं जा रहा हूँ, मैं जाके बात करता हूँ, आपकी 2 से 3 दिन में सैलरी आ जाएगी, और उनको गए हुए कम से कम 1 महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो अगर आपकी सैलरी यहाँ नहीं मिलती है, कुछ समाधान नहीं होता, तो क्या कर पाएंगे अगला स्टेप? सोचते हैं कि अच्छे से अच्छा बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपना पुलिस केस करें या मीडिया को बुलाएं, लेबर कोर्ट में भी गए थे हम, उसमें भी कुछ सॉल्यूशन नहीं हुआ। उनके पास गए थे, वो बोले हम आते हैं मीटिंग करने,
वही 15 दिनों का तब भी नहीं हुआ। हमने DM के वहाँ पर भी एप्लीकेशन दी थी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। हम CMO ऑफिस भी गए थे, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ है। स्टेप क्या रहेगा आपके? अगला स्टेप ये रहेगा सर हमारा, अगर जो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम यहीं अनशन पे बैठेंगे। जब तक हमारी सैलरी नहीं मिलेगी हम यहाँ से जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, सारा स्टाफ हमारा यहीं पे रुको। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के सोमनाथ मंदिर के पास सुनसान जगह पर बुधवार सुबह पेड़ से एक युवक का शव लटका हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मृतक युवक के शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारकर अपने कब्जे में लेकर शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया है। युवक की पहचान संतोष कुमार पुत्र नारायण सिंह उम्र करीब 45 वर्ष निवासी दिघी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक सोमनाथ मंदिर से नीचे सुनसान जगह पर बुधवार सुबह पेड़ से युवक का शव लटका होने की सूचना मिली थी। वहीं सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में शव रखवाया गया है। परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस ने बताया कि मृतक युवक मकान की चुनाई का काम करता था, जिसकी 3 पुत्री और 2 पुत्र हैं। फिलहाल पुलिस मामले को जांच पड़ताल में जुटी है। धौलपुर से सीनियर संवाददाता अनूप की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है। यहां दोपहर के करीब 2 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट से गोल्ड मसाले की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। देखते ही देखते आग पूरी तरह फैक्ट्री में फैल गई। अभी तक किसी भी तरह की जनहानि का खतरा सामने नहीं आया है। वहीं दमकल विभाग की गाड़ी आग बुझाने का प्रयास कर रही है। फैक्ट्री में और उसी के बगल में रिलायंस जियो पेट्रोल पंप भी है। दोनों जगहों में वाटर पंप की व्यवस्था सुचारू रूप से ना होने के कारण दमकल कर्मियों को अधिक परिश्रम करना पड़ रहा है। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में पथराव और फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। मथुरा के थाना हाईवे के बालाजीपुरम में तोमर चौराहे पर 2 गुटों में जमकर चले लाठी ईंट पत्थर और गोलियां। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा मथुरा का बालाजीपुरम क्षेत्र। घटना से लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त। घटना के बारे में जानकारी देने से भी डरे लोग। सूत्रों का कहना है सूचना पर पहुंची पुलिस से भी लोगों ने अभद्रता की। चौकी बालाजीपुरम के साथ घटना में मारपीट की जानकारी प्राप्त हो रही है। सूत्रों के मुताबिक चौकी इंचार्ज की चैन भी तोड़ ले गए अज्ञात बदमाश। मौके पर सीओ रिफाइनरी सहित भारी पुलिस बल मौजूद। मामला अधिवक्ता और राजनेता से रसूल रखने वाले नेता के आम खास के बीच का बताया जा रहा है। मथुरा से सीनियर संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट। सासाराम संसदीय क्षेत्र लोकसभा चुनाव को लेकर चिनारी कोल्ड स्टोर के पास क्षेत्र के ब्राह्मणों की बैठक योगेश त्रिपाठी उर्फ टप्पू त्रिपाठी के नेतृत्व में की गई। यहां चिनारी कुदरा रामपुर भबुआ भगवानपुर प्रखंड के सभी सम्मानित समुदाय के लोगों ने भाग लिया। विकास के मुद्दों पर काफ़ी चर्चा हुई। यहाँ कांग्रेस के अपेक्षा भाजपा के विकास के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। भारत ही नहीं पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। इसलिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ब्राह्मण समुदाय के लोग भाजपा के उम्मीदवार शिवेश राम को अपना समर्थन देंगे। पूर्व विधायक ललन पासवान के द्वारा भाजपा के विकास कार्यों पर जानकारी दी गई। मौके पर रिंकी रानी पांडे, पूर्व विधायक भबुआ, अजय दुबे समाजसेवी, सह अधिवक्ता उच्च न्यायालय पटना, मुन्ना मिश्रा, देवेंद्र चौबे, पैक्स अध्यक्ष विनय सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। हुआ है क्या लग रहा है कि अभी भी कोई विकास इस क्षेत्र में हो पाया है या कुछ विकास अभी भी कमी रह गई है? विकास की कोई सीमाएं थोड़े हो पाया है। मनुष्य का स्वभाव है कि एक विकास खत्म होता है दूसरे विकास का निर्माण की अपेक्षा रखता है। क्षेत्र में क्या और सारी चीज़ें जो है विकास के कई आयाम हैं। सड़क है, बिजली है, कारखाना है, रोजगार है, कई विकास के कारण हो सकते हैं। तो आप किस संदर्भ में किस विकास की बात करते हैं? भारत में नरेंद्र मोदी के आने के बाद दुनिया में पूरे दुनिया का नेता नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति पुतिन से लेकर दुनिया का हर राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को सैल्यूट करता है, कोई पैर छू के प्रणाम कर रहा है। ये भारत का आज़ादी का 70 वर्षों का पहला इतिहास है। तो सम्मान से बड़ा विकास की कोई परिधि नहीं होती। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हम सभी लोग एकजुट होकर BJP के पक्ष में भाई शिवेश राम जी के पक्ष में मतदान करें। हम लोगों का 100% जो वोट है वो 1 तारीख को शिवेश जी के पक्ष में BJP के पक्ष में मतदान। माननीय मोदी जी का नारा है 400 पार, क्या लग रहा है? 400 पार करेंगे। विपक्ष कह रहा है तेल 400 पार हो जाएगा। क्या कह रहा है विपक्ष? कह रहा है 400 पार तेल हो जाएगा। 400 पार तेल हो जाएगा।
जी विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है, उसके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, तो वही नमक तेल लकड़ी का उसका मुद्दा रहेगा। वो तो देश विदेश का कोई मुद्दा तो बना नहीं रहा है कि देश में क्या हुआ, देश का झंडा विदेश में फहर रहा है, देश के हमारे बच्चे यूक्रेन में जब फंसे थे उसमें तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा था नहीं कि हमारे बच्चे कैसे यूक्रेन से निकलेंगे। उसके पास तो मुद्दा है कि नमक महंगा हो गया तो तेल महंगा हो गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या रहा सर? इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो NDA के प्रत्याशी हमारे शिवेश राम जी हैं जी, उनके पक्ष में ब्राह्मण समाज ने एक ध्वनि मत से एक मन बनाने के लिए बैठक बुलाया, और इस बैठक का उद्देश्य यह है कि जो राष्ट्रहित में निर्णय लेगा, जो संस्कृति सांस्कृतिक विरासत और भारतीय मूल्यों का जो संरक्षण करेगा उसके पक्ष में ब्राह्मण समाज खड़ा है, इसीलिए मीटिंग। तो क्या लग रहा है जो मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं उस पर कितना खरा उतर पाएंगे? 400 पार का नारा जो है उसके ऊपर खराब जब आपके सामने 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा जी, तो आपको ये नारा साकार होता हुआ इसलिए होता हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे रीजन है कि ये 2024 का जो चुनाव है, ये 2024 का आप इसको एक चुनाव मत समझिए, ये भारत के विकसित भारत के संकल्प का आधार है। बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे समाज के लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग के लिए जागृत करना और सुरेश राम जी को जिताने के लिए वोट करना। क्या लग रहा है जो 400 पार का मोदी जी का नारा है उस पर कितना आप लोग खरा उतर पाएंगे? 400 पार करेंगे, ये मोदी जी का जो काम है, मोदी जी ने जो जन जन से जो जुड़े हुए हैं, जन जन के लिए जो काम किए हैं, उसका रिजल्ट तो मिलेगा वो 400 पार के होकर उसके जरिए। विपक्ष एक तरफ कह रहा है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, देखिए रोजगार इतना आसान नहीं है कि सबको रोजगार दिया जा सके, परंतु सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, लगातार प्रयासरत है कि व्यवसाय के जरिए, नौकरी के जरिए, सबको डेवलपमेंट के जरिए सबको रोजगार प्रोवाइड किया। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता ब्रिज किशोर पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।